और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। उसी के साथ में हमारे साथ में और भी साथी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या कहना जी? मैं एडवोकेट पदम सिंह चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व क्षत्रिय परिषद। आज हम सभी लोग कैथल जा रहे हैं और एक समाज के द्वारा जाति सूचक शब्द लगाया गया है। ये सब भाजपा और आरएसएस की एक चाल है, एक एजेंडा है। इसी के तहत सरकार ये सारा काम करवा रही है। अगर सरकार ने आज हमारी बातें नहीं मानी तो सरकार के विरुद्ध एक संकल्प प्रस्ताव भी वहाँ पेश किया जाएगा और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। फिलहाल जो है भाई, इस टाइम आप देख सको लाइव जुड़ रहे हैं भाई, जिस प्रकार जो है कैथल में जो आज महासम्मेलन करने जा रहे हैं क्षत्रिय महाकुंभ, तो उन जो है साथी और बुजुर्ग जो है इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, तो आपने खास करके बता दो भाई, सरकार की जो है खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं क्षत्रिय महाकुंभ। तो भाई इसमें दर्शक तो ये कहूंगा भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस प्रकार आपने देखा भाई, क्षत्रिय आज जो है मैदान में है, स्वाभिमान की जो है रक्षा के लिए जो है मैदान में, उसी के साथ में जो है एक सरकार, बीजेपी सरकार के ऊपर बड़ा खतरा भी जो है मंडरा चुका है, क्योंकि आज राजपूत समाज ही नहीं प्रदेश के तमाम वर्ग जो है बीजेपी सरकार के खिलाफत में है। क्यों जी? बिल्कुल, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। अगर राजपूतों की बात नहीं मानी गई तो इस सरकार को हरियाणा से जाना होगा, जाना ही होगा। तो फिलहाल तो दर्शक भाई ये कहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।